राजस्थान में राजनीतिक सरगर्मियां दिनों दिन बढ़ रही हैं। ऑडियो टेप सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मुखर होकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी अपनी राजनीतिक पकड़ को दर्शाने के लिए जोर आजमाइश में लगातार जुटे हैं। अब इन सबके बीच कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा ने बागी तेवर अपना चुके सचिन पायलट पर निशाना साधा है। मार्गरेट ने रविवार को पूछा, क्या भारतीय जनता पार्टी में जाकर सचिन पायलट 45 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? आपको बता दें, मार्गरेट सचिन पायलट पर निशाना साधती हुई गुस्सा दिखाती हुई कहती हैं, राजस्थान में कांग्रेस ने बहुमत वाली सरकार बनाई। सचिन पायलट को न सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनाया गया बल्कि 4 महत्वपूर्ण विभाग दिए गए। प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी बरकरार सचिन को रखा गया। ऐसे में जब कोविड-19 जैसा संकट हमारे सामने है, सीमा पर चीन के साथ गतिरोध चल रहा है, देश में हलचल है और आप कह रहे हो मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, क्या ये उचित है? क्या ये सही समय है? अल्वा कहती हैं, 25 की उम्र में सचिन पायलट कांग्रेस में शामिल हुए, 26 साल की उम्र में सांसद बने, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर उप मुख्यमंत्री बने। 25 से 45 साल की उम्र के सफर में क्या किसी को कुछ और इतना मिला है? अब आप बोल रहे हो मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। अगर गहलोत साहब के साथ काम नहीं करना चाहते तो उप मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र देकर बतौर प्रदेश अध्यक्ष काम कर सकते थे। ये सब करने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है किसी स्टार को धैर्यवान होना चाहिए। इतनी जल्दी में आप कहां पहुंचना चाहते हैं? 42 साल की उम्र में मुख्यमंत्री और 45 की उम्र में प्रधानमंत्री बनना चाहते थे आप बीजेपी में जाकर। अल्वा कहती हैं, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपनी युवा टीम बनाने का मौका दिया जाना चाहिए, तभी पार्टी में नया दृष्टिकोण और नया जोश आएगा। आज देश की आबादी में 50% हिस्सा 25 साल से कम उम्र के युवाओं का है और इन युवा मतदाताओं की अपनी आशाएं व आकांक्षाएं हैं। हमारी पार्टी में आज जो वर्किंग कमेटी है, जो तथाकथित डिसीजन मेकर्स हैं, उनकी उम्र क्या है? उनकी औसत उम्र क्या है? 4-5 को छोड़ दे तो सब 75, 80 और 85 के आसपास हैं। ये लोग तो राहुल जी को कभी आगे आने दे नहीं रहे। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।